किससे ड्राइव हुई थी? बी लैंग्वेज से। बी को बनाया किसने? केन थॉम्पसन ने। कब बनाया? 1969 to 70। किस मकसद के लिए बनाई गई? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम प्रोग्राम बनाने के लिए। और अब इसके स्टैंडर्ड कौन देख रहा है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये बेटा आपका पहला लेक्चर का हिस्सा आपका। अब हम इस लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। अगर दूसरे हिस्से की बात करें तो अब हम एक अहम, बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन, जिसको कहते हैं हम लोग, राइट सम एडवांटेजेस आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। आपके बुक में तो 8 हैं, समटाइम बच्चे मुझसे पूछते भी हैं कुछ के सर हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। जी एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हैं अगर वो रीज़नेबल है, लेकिन अगर आप 8 पॉइंट भी याद करें तो इनफ आपके लिए, कोई ज़्यादा पॉइंट ना भी तो कुछ इशू नहीं है, लेकिन आप 8 पॉइंट्स भी कर लें इनफ है। इसके अलावा और भी बहुत सारी आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप डिफरेंट बुक्स में अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको डिफरेंट बुक के अंदर और भी पॉइंट्स मिलेंगे, और कोशिश करूँगा मैं भी इसमें कुछ आपकी बुक्स हट कर ट्राई करता हूँ एक दो ऐड करूँ ताकि आपको मज़ीद ये आइडिया क्लियर हो जाए। आइए जिक्र करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का। आपकी बुक में तो वैसे तो ये 8 पॉइंट है, इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा एक दो पॉइंट्स किसी और बुक से भी आपको बताऊँगा। पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे इसका, वो है कि सी की पहली खसूसियत क्या है, क्यों हमने सी को चूज़ किया। हाई लेवल लैंग्वेज की और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत अच्छी हैं, इससे एडवांस भी हैं, लेकिन सी क्यों, क्यों सी को ही हमने क्यों चूज़ किया। अब बेटा सी को चूज़ करने की पहली वजह, पहला पॉइंट हमारा कन्वीनियंट लैंग्वेज। कन्वीनियंट का मतलब आप सब जानते हैं, आसान, आसानी से काबिल इस्तेमाल। कहता सी एक बहुत ही कन्वीनियंट। अब इंसान जब भी कोई काम करना चाहता है तो उसकी ये कोशिश होती है कि वो काम आसानी या आसान हो या आसान तरीके से हो जाए। तो सिमिलरली आप ये कह सकते हैं कि सी लैंग्वेज आपको ऐसी सहूलियात प्रोवाइड करता है जो कि लो लेवल लैंग्वेज में आपके लिए थोड़ी सी हासिल करना मुश्किल है। मतलब लो लेवल लैंग्वेज को इस्तेमाल करना मुश्किल है, जबकि सी लैंग्वेज उसकी निस्बत इस्तेमाल करना, इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं, सहूलियात हैं, वो ईजी हैं आपके लिए यूज़ करना। हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलें। अब जाहिर है प्रोग्रामर भी इंसान है और हर इंसान की कोशिश है कि मेहनत घट होवे तो फायदा पुत्र जी ज़्यादा। तो सिमिलरली प्रोग्रामर इस लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम ईजीली बना लेता है, ईजीली, जो कि लो लेवल में बनाना आपके लिए क्या है, मुश्किल होता है। क्योंकि प्रोग्रामर्स आपका ईजिली प्रोग्राम बना लेता है बनिस्बत जो कि लो लेवल लैंग्वेज में आपके लिए बनाना क्या है, मुश्किल है। तो ये था बेटा आपका पहला पॉइंट। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट आपको पीछे याद होगा मैंने स्टैंडर्डाइज वर्ड भी यूज़ किया था, वेल स्ट्रक्चर लैंग्वेज। अब स्ट्रक्चर्स आप जानती हैं, स्ट्रक्चर को हम ढांचा कहते हैं। अब स्ट्रक्चर से मुराद क्या, इसका प्रॉपर, जिस तरह अगर आप अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसका कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उस इंग्लिश सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है। अगर आप सिंपल बात करें, नॉर्मली जो हमें बचपन से पढ़ाया गया, इसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर वर्ब होना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सिमिलरली सी का जो लिखने का जो इसका वे है वो एक प्रॉपर है, एक प्रॉपर रूल्स है। इसके हम उस रूल्स को नॉर्मली हम एक ख़ास टर्मिनोलॉजीज रूल्स को हम एक ख़ास नाम से पुकारते हैं जिसका नाम है सिंटैक्स। इसका जो रूल सिंटैक्स है वो बहुत इजी है हमारे लिए, उसको याद करना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको मेंटेन करना और उसको तब्दील करना। इससे हमें फ़ायदा क्या होता है स्ट्रक्चर की मदद से, कि हमें इस प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर बनाने में हमें तो आसानी होती है, उसको प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना आसान होता है, और उसमें कोई तब्दीली करनी होती है तो हमारे लिए वो भी क्या हो जाती है, हमारे लिए आसान हो जाती है। तो लिहाजा हमारे लिए ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं बिकॉज क्योंकि सी लैंग्वेज एक वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। ये हो गया बड़ा आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बड़ा अहम,
इसका मतलब है मशीन इंडिपेंडेंस। ये पॉइंट जिन दोस्तों ने प्रीवियस लेक्चर लिए हैं उन्हें याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने एक मशीन इंडिपेंडेंट ऑलरेडी पढ़ा है। ये सेम वर्डिंग वही है, बस फर्क ये है कि वहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ सी लैंग्वेज। अगर हमने पिछला प्रीवियस सेकंड जो लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लिया तो अंडरस्टूड सी बात है, ये भी पॉइंट आपका याद हो गया। लेकिन एक बार फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सी लैंग्वेज प्रोवाइड मशीन इंडिपेंडेंस। आपको याद होगा मैंने बताया भी था कि जो सी वाला प्रोग्राम है वो हर तरह के कंप्यूटर में चल जाएगा, कोई ख़ास कंप्यूटर या ख़ास पार्टिकुलर मॉडल लैपटॉप नहीं जाइए, आपको किसी भी कंप्यूटर पर, किसी भी लैपटॉप, किसी भी कंप्यूटर पर चल जाएगा। पंजाबी कहने में सा आंदा हुआ कंप्यूटर जनाब, आपका प्रोग्राम चल जाएगा। इट मीन्स द प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल आ प्रोग्राम रिटन सी कैन बी एग्जीक्यूट ऑन इंटेल एएमडी एंड मोटोरोला प्रोसेसर। यही वजह है कि सी लैंग्वेज को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं बनस्बत दूसरी आपकी लो लेवल लैंग्वेज की, नस्बत ये मशीन इंडिपेंडेंट है, आप कहीं भी चला सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 4 मॉड्यूलरिटी। ये मॉड्यूल से लिखा, मॉड्यूल इस तरह आपकी इंटरमीडिएट को हम दो मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। फिर हम उस सेकेंड ईयर के 6 बुक्स में डिवाइड करते हैं, फिर चैप्टर उस बुक के को चैप्टर में डिवाइड करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर आप अपने देखें तो आपके लिए आसानी होती है। इसी तरह सी लैंग्वेज भी एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब मॉड्यूल से बात क्या है कि आप अपने प्रोग्राम्स को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, मॉड्यूल में डिवाइड कर लेते हैं। अब मॉड्यूल्स का फ़ायदा क्या होता है, फ़र्ज़ करें आपका मोबाइल की एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स हैं, मैसेजेस हैं, सेटिंग्स हैं, गैलरी है। अब जब ये सॉफ्टवेयर बनाया जिस कंपनी ने, तो उस कंपनी में इस एक प्रोजेक्ट पर 100 या थाउजेंड्स की तादाद में लोग काम कर रहे थे। उन तमाम लोगों ने एक पार्टिकुलर काम किया इंडिपेंडेंटली, और फिर आखिर में उन तमाम पार्ट्स को इकट्ठा कर लिया गया और उसे कंपाइल करके एक प्रोग्राम या एक पूरा सॉफ्टवेयर बन गया। अब इसका यही फ़ायदा आपको नज़र आया कि आप एक वक्त में बेक वक्त मुख्तलिफ लोग काम करते हैं अलग अलग चीज़ों पे, उनको डेवलप करते हैं, यानी कि जब चीज़ छोटी होगी तो आपका फोकस उस पर ज़्यादा होगा और वो काम भी आपके लिए क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। लिहाजा आपकी जो सी है वो मॉडल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिससे आपका मॉड्यूल बनाना आसान है और उनको इंडिपेंडेंटली कंपाइल कर सकते हैं, उनको चला सकते हैं। दैट इज़ द फोर्थ पॉइंट मॉड्यूलरिटी। फिफ्थ पॉइंट